हे हेलो एवरीवन, दोस्तों कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सीबीएसई क्लास 10th का जो रिजल्ट हो जारी हो चुका है, इस रिजल्ट से भी बहुत बच्चे नाखुश दिख रहे हैं। बहुत से बच्चे दोस्तों कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे जो है क्लास 9th में 19% थे, 92% थे, 94% थे, बट क्लास 10th में जो हमें नंबर दिए गए हैं सीबीएसई के टर्मिनेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, वो नंबर हमें जो मिला है वो 60% मिला है, 57% मिला है। ऐसे बहुत से कमेंट मेरे पास आए हैं। तो दोस्तों बहुत से बच्चे भी प्रश्न पूछ रहे थे कि क्या सर हम एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्या हमें एग्ज़ाम देना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप सभी बता दूं कि जो भी बच्चे सरकार के जो एग्ज़ाम की पॉलिसी थी, नंबर देने की टर्मिनेशन पॉलिसी थी, अगर उससे असंतुष्ट हैं तो आप सभी एग्ज़ाम देने के योग्य हैं। आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो एग्ज़ाम 16 अगस्त से लेकर 15 सितम्बर के बीच करवाया जाएगा सीबीएसई के द्वारा। अब दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है, सर क्या हमें एग्ज़ाम देना चाहिए? तो मैं आप सभी बच्चों से पूछना चाहता हूं, यदि आप एग्ज़ाम देने में सक्षम हैं, यदि आपने अपनी पहले से तैयारी कर रखी है और यदि आप 15 दिन के अंदर सारे सिलेबस को रिवीजन अच्छी प्रकार से कर सकते हैं, तो आप एग्ज़ाम दीजिए और सभी को दिखा दीजिए कि आप इससे कहीं ज़्यादा डिजर्व करते थे, जो कि सीबीएसई और स्कूल वालों ने आपको नंबर नहीं दिए। बट दोस्तों अगर आपके मन में एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी संशय है, आपको लगे कि आप इतना ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी रिजल्ट को लेकर इतना वेट कर रहे थे, फिर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हम लगातार करेंगे, तो ऐसी स्थिति मगर आपके मन में थोड़ा भी एग्ज़ाम को लेकर डाउट हो, तो दोस्तों मेरी पर्सनली यही राय रहेगी कि आप एग्ज़ाम ना दें और अपने अगले क्लास के बारे में तैयारी करें। क्योंकि दोस्तों क्लास 10th का जो नंबर होता हो, जस्ट नंबर होते हैं, वो आपके अगर एकेडमिक की बात करें तो इतना काम नहीं आता है। तो ये आप चीज़ें ध्यान रखना, ज़रूर रखना दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि बहुत से बच्चों जो है साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम लेने अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग जो स्कूल वाले एडमिशन नहीं देते हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप क्योंकि हम अपने आप को सबसे अच्छे तरह समझते हैं, हम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। यदि हम अच्छा कर सकते हैं तो ज़रूर आप एग्ज़ाम दीजिए, नहीं तो एग्ज़ाम मत दीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा घाटा होने के चांसेज हैं क्योंकि दिमाग जो है वो एकाग्र नहीं है, बहुत चारों तरफ भटका हुआ है। एक तो ऐसी सिचुएशन चल रही है आजकल, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं, तो बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो दोस्तों क्लास 10th का जो एग्जाम का पैटर्न होगा, हालांकि क्लास 10th के लिए स्पेशली कोई नोटिफिकेशन सीबीएसई जारी नहीं किया, क्लास जो 12th का कल नोटिफिकेशन फाइनल जारी किया गया, तो उसमें ही क्लास 10th के बारे में था दोस्तों। तो सिलेबस दोस्तों जो है आपका सेम वही होगा जो आपके एग्जाम के कैंसिल होने से पहले था, यानी जो 30% के सिलेबस में पहले कटौती की गई थी, जो आपके एग्जाम होने वाले थे मई में और एग्जाम कोरोना की वजह से कैंसिल कर दिए गए, तो वही सिलेबस दोस्तों रहेंगे, कटौती के साथ रहेंगे, यानी पुराना सिलेबस ही रहेगा, ठीक है। अब दूसरा सवाल दोस्तों क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा? तो दोस्तों एग्जाम का पैटर्न हार्ड होगा, ईजी होगा, मॉडरेट होगा। तो ये इसमें अगर आप उत्तर देना, मैं आप सभी बताना चाहूँ दोस्तों, एग्जाम का पैटर्न पहले तरह के सेम होगा, जैसे पहले आपके एग्जाम कुछ क्वेश्चन हार्ड आते थे, कुछ बहुत इजी आते थे, कुछ मॉडरेट आते थे, तो वैसे ही इस बार भी एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। पैटर्न क्या होगा, पैटर्न के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊँ, तो एग्जाम का पैटर्न वही होगा जो आपके सीबीएसई के सैम्पल पेपर में, आप सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट जाकर सैम्पल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं 2021 का, उसी सैम्पल पेपर के आधार पर, उसी पैटर्न के आधार पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बहुत से बच्चों का सवाल यह है कि सर हम कितने पेपर के एग्जाम दे सकते हैं, कि हम सभी पेपर के एग्जाम दे सकते हैं, सभी सब्जेक्ट के एग्जाम दे सकते हैं? तो दोस्तों सभी सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं दे सकते, सीबीएसई ने टोटल 19 सब्जेक्ट दिए हैं, आप स्क्रीन में दे सकते हैं। अब इन्हीं 19 सब्जेक्ट में से अब क्लास 10th के हैं, तो अभी जो भी सब्जेक्ट है तो आप इनमें एग्जाम दे सकते हैं, मेन सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे सकते हैं, क्लियर। अब बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर एमसीक्यू आएंगे या सब्जेक्टिव आएगा? तो दोस्तों जो पेपर का पैटर्न होगा वो सब्जेक्टिव होंगे, एमसीक्यू नहीं पूछे जाएंगे। पेपर का समय कितना होगा दोस्तों? तो पेपर का समय 3 घंटा दिया जाएगा, जैसे पहले एग्जाम हुआ करते थे वही 3 घंटे वाला एग्जाम आपके बारे में दिया जाएगा। अब बहुत से बच्चों का सवाल था कि सर क्या हमारे सेंटर पढ़ेंगे या हमें बाहर एग्जाम देना पड़ेगा, या स्कूल में होंगे या घर पर एग्जाम होंगे? तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि कोरोना की सिचुएशन कैसी है। अगर कोरोना की सिचुएशन ऐसी है तो आप अच्छी है, तो आपका जो एग्जाम सेंटर दोस्तों बाहर भी पढ़ सकता है, और अगर ज़्यादा खराब है तो स्कूल में भी एग्ज़ाम होंगे, आपके आपके सेल्फ सेंटर होगा और वहाँ पर दोस्तों बाहर के टीचर आपके एग्ज़ाम लेंगे। ये है, ये भी डाउट क्लियर होगा दोस्तों। अब बहुत से बच्चे ये भी प्रश्न पूछते हैं कि क्या हम बिना एग्ज़ाम दिए अपना नंबर बढ़ा सकते हैं? तो दोस्तों बिना एग्ज़ाम दिए अपना नंबर बढ़ा सकते थे, लेकिन सीबीएसई ने अभी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की है। जो सीबीएसई ने इससे पहले नोटिफिकेशन निकाला था एग्ज़ाम को लेकर, उसमें जो डाउट सेटलमेंट थे उसको लेकर, डिस्प्यूट सेटलमेंट थे उसको लेकर इस नोटिफिकेशन में कोई चर्चा नहीं की गई है।
तो दोस्तों अभी ये पूरी तरह से अभी नहीं पता है, कंफर्म नहीं है कि आप बिना नंबर से बिना एग्जाम के बढ़ा सकते नहीं बढ़ा सकते, इसको मैं पूरी जानकारी लेकर दोस्तों आप सभी तक साझा करूंगा। क्लियर हो गया दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि सर जब हमारे क्लास 9th में 19% आए हैं, हम इतने अच्छे परफॉर्मेंस रहे स्कूल में, तो हमारा क्लास 10 में नंबर कम क्यों आया? तो दोस्तों ये स्कूलों की गड़बड़ी हो सकती है, स्कूलों ढंग से नंबर एग्जाम आपके जो रिजल्ट तैयार नहीं करें। तो आप स्कूल में जाकर अपना रिजल्ट दिखाकर 9th क्लास का और अपने परफॉर्मेंस दिखाकर उनसे पूछ सकते हो कि आप रिजल्ट किस आधार पर तैयार किए और हमें नंबर क्यों नहीं दिया गया है। तो ये आधार हो सकता है, आप इसे पूछ सकते हैं दोस्तों। और भी क्लास 10th के एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं दोस्तों, वो डाउट्स जरूर पूछिएगा कमेंट्स में, उन सभी डाउट्स को दोस्तों मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी मैं लाइव नहीं आ सकता दोस्तों, मेरे लाइव का जो ऑप्शन वो ऑन नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों नहीं पा रहा, मुझे नहीं पता, इतने नॉलेज नहीं थी मेरे को यूट्यूब के बारे में, बट जैसे ही ऑन हो जाएगा दोस्तों मैं आप सभी का लाइव आकर कट टू कट आपका जवाब दूंगा, फेस टू फेस जवाब दूंगा, जो भी आप प्रश्न पूछेंगे सभी जवाब आपको मिलेंगे। हमारे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, बहुत बहुत सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे लाइक कर दे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दोस्तों। और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, अगर आपको कोई भी सवाल हो इस वीडियो संबंधित, कोई भी सवाल हो एग्जाम संबंधित, तो जरूर पूछिएगा, उसका जवाब दिया जाएगा, भले ही लेट हुआ लेकिन जवाब दूंगा दोस्तों, मैं सबके पर्सनली जवाब देता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, जय हिंद।